पिगमेंटेशन ठीक नहीं होती है, सनस्क्रीन सिर्फ और सिर्फ आपके पिगमेंटेशन को आगे बढ़ने से रोकता है, ये बात आपको याद रहेगी। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर हनीत कौर। आज हम बात करेंगे वो वाली पिगमेंटेशन की जो आपकी स्किन के बाहरले कारणों की वजह से होती है, माने कि कुछ कारण जैसे प्रेगनेंसी हो गया, हार्मोनल रीजंस हो गए या डाइट्री डेफिशिएंसी हो गई। हर पिगमेंटेशन के ऊपर मैं अलग वीडियो डालूंगी, लेकिन आज की जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 18 से लेकर 30-35 तक है, जिन लेडीज ने स्किन के ऊपर पंगे लिए हैं या फिर आप धूप में गए हो बिना सनस्क्रीन तो उसकी वजह से या डेड स्किन की वजह से आपकी पिगमेंटेशन आ गई है। तो इस केस ये वाली पिगमेंटेशन के लिए जो चीजें काम करेंगी ना उस पर हम वर्क मैं ज्यादा उस पर एम्फोसिस देती हूँ। ये मेरा मेनली कह लो स्पेशलिटी है कि जिन लोगों ने स्पेशली स्टीरॉयड ट्यूब्स लगाए होते हैं और फिर बाद में छोड़ने के बाद आपकी स्किन रेड हो जाती है, ब्लैक हो जाती है और पिगमेंटेशन बहुत लंबा लंबा टाइम चलती है, तो ऐसी वाली पिगमेंटेशन के लिए डबल अप्रोच चलती है। डबल अप्रोच मतलब स्किन के ऊपर भी हम ट्रीटमेंट करते हैं और डाइट में भी हम चेंजेस लेके आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ ऊपर के प्रॉब्लम मतलब सिर्फ ऊपर के ट्रीटमेंट की, तो उसमें माहिर मैं आपको बता ही देती हूँ पहले ही, अब पहले बता देती हूँ मेरा खुद का जो ब्रांड है हर स्किन, उसके अंदर जो 5 प्रोडक्ट्स हैं उनमें से 4 तो सिर्फ इसी प्रॉब्लम के लिए है कि जिन लोगों को अगर प्रॉब्लम है स्किन के ऊपर तो उसके लिए आप मेरे प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो। कई लोग बोलते हैं मैम सिर्फ आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते रहते हो, तो आज मैं आपको साथ साथ में दूसरी रिकमेंडेशंस भी दूंगी, तो इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, जो सबसे मेन कारण है पिगमेंटेशन का स्पेशली इन इंडिया, वो ये है कि हम लोग सनस्क्रीन के बारे में जानते ही नहीं है। आप कोई भी ब्रांड की सनस्क्रीन लगाओ, लेकिन ये याद रखना सनस्क्रीन का काम सिर्फ इतना है कि वो आपकी पिगमेंटेशन को आगे बढ़ने से रोकती है। कभी भी सनस्क्रीन आपकी पिगमेंटेशन को ट्रीट नहीं करती है, सनस्क्रीन सिर्फ आपके पिगमेंटेशन को आगे बढ़ने से रोकती है। मतलब कि जैसे सपोज आपके ऑलरेडी पिगमेंटेशन हो चुकी है, अब आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, अब उसके ऊपर दोबारा पिगमेंटेशन ना हो जाए इसलिए धूप से बचाना पड़ेगा, तो धूप से बचाने के लिए आपको सनस्क्रीन यूज करनी है। ये है हमारे सनड्रॉप्स। आपको अगर सनड्रॉप्स नहीं यूज करने हैं तो आप दूसरे कोई भी, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फोटोज, आप स्क्रीनशॉट ले लो, अमेजोन से, नाइका से, कहीं से मर्जी ऑर्डर कर लो, मैं लिंक भी दे दूंगी नीचे। इस तरह से आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी होती है, जिस तरह से मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ अपने फेस के ऊपर। 1 मिनट के लिए पूरे एक लेयर लगा के रखी, 1 मिनट जब हो जाए, ये मेरा तरीका है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा असर करता है। 1 मिनट ऐसे लेयर लगा के रखी, फिर जब 1 मिनट हो जाए फिर इसको मसाज कर लेना पूरी स्किन के ऊपर, तो इस तरह से आपको डबल प्रोटेक्शन मिलती। और स्पेशली जो आपके ये वाले एरियाज है ना, हाई पॉइंट्स, देखो नेचुरल सी बात है, जैसे पहाड़ को इमेजिन करो, एक फ्लैट लैंड है नॉर्मल धरती, एक पहाड़ है, जब पहाड़ के ऊपर टॉप पे ज्यादा धूप लगेगी ना धरती धरती के कंपेरेटिवली, मतलब एग्जाम्पल आप समझ रहे हो, कैसे समझाऊंगा आपको मैं, जैसे ये एरिया देखो, अब आप यहां पे धूप ज्यादा लगेगी कि इस एरिया पे ज्यादा लगेगी, ऑब्वियसली यहां लगेगी ना, तो हाई पॉइंट जो हमारे फेस के है ना, नोज की टिप हो गई, ये ब्रिज हो गया नोज का, ये वाला एरिया हो गया, चिन का एरिया हो गया, आईब्रोज वाले एरिया हो गए, यहां पे पिगमेंटेशन धूप की वजह से सबसे कॉमनली होती है। तो अगर आप बिना सनस्क्रीन के अब तक बाहर जा रहे थे और आप सोच रहे हो कि मैम मेरे, बड़े लोग ये सवाल पूछते होते हैं कि मैम बड़े साल हो गए हैं, पहले मेरी स्किन गोरी होती थी, अब मैं एकदम से डल होती जा रही है, पहले मेरा रंग एकदम साफ होता था, अब एकदम से डल होता जा रहा है, डार्क होता जा रहा है, तो वो उन केसेस में होता है जो लोगों को सनस्क्रीन या तो सूट नहीं करी है, जिन्होंने कभी लगाई ही नहीं है, या फिर अगर वो लगा रहे हैं तो उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, उनको सूट नहीं कर रही है। तो अगर आपको सनड्रॉप सूट कर रहे हैं तो आप ये वाला बाय करते रहो, कंटिन्यू रखो। अगेन सनस्क्रीन का एक पंगा होता है, ये भी याद रखना बार, कि जब सनस्क्रीन एक बार सूट कर गई तो आप वही वाली सनस्क्रीन यूज करते रहो। मेरे जैसे 100 लोग वीडियो पे आके आपको बोलेंगे ये खरीद लो वो खरीद लो, इसका मतलब ये नहीं आपको हर चीज लेनी है। अगर आपको लगता है आपको कोई चीज सूट कर रही है, आपको ट्रस्ट है और आप सूट ट्राई किया आपने और आपको सूट कर गई, तो आप उसको कंटिन्यू रखें। अगर आपको सूट नहीं कर रही है तो आप चेंज कर सकते हो, मार्केट में अवेलेबल जो बहुत सारे पेशेंट्स को चीजें सूट करते हैं वो मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि स्क्रीनशॉट्स डाले हैं, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इन सनस्क्रीन के ट्राई करो, जो सूट कर गई 100% परमानेंट उसको यूज करो। सनस्क्रीन के मामले में तो रिस्क लेना ही का ही नहीं है, क्योंकि जब हम सनस्क्रीन को बार बार चेंज करते हैं ना तो हमारी स्किन के ऊपर कभी ब्रेकआउट कभी पर्जिंग हो जाती है। देखो हर प्रोडक्ट जब स्टार्टिंग में यूज करोगे दाने आना, रेडनेस होनी या एलर्जी हो जानी, ये थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन अगर आपकी पर्जिंग 1 महीना यूज करने के बाद भी चल रही है, इट मीन्स वो प्रोडक्ट आपको सूट नहीं करता है। सो आप अपना प्रोडक्ट यूज करो, चाहे हमारा वाला करो चाहे कोई और ब्रांड करो, इट्स अप टू यू, बट तो प्लीज आप ये सीरीज जो है कंटिन्यू रखें, आगे आप वीडियोस देखते रहें। इस वीडियो में सिर्फ आपको मेरे को यही वाली बात बतानी थी कि जो सनस्क्रीन है ना उसका काम सिर्फ और सिर्फ पिगमेंटेशन को आगे बढ़ने से रोकना है। अब अगर डिटेल में जाए तो सनस्क्रीन 2 तरीके की होती है, 3 तरीके की होती है एक्चुअली। केमिकल बैरियर सनस्क्रीन जैसे कि न्यूट्रोजिना वाली होगी,
जो हमारी फिजिकल बैरियर सनस्क्रीन जैसे कि न्यूट्रोजेना की येलो वाली होगी या फिर जो कुछ बिल्कुल जिंक वाला पाउडर है वो जो क्रिकेटर्स अपने चेहरे पे लगाते हैं वो वाली जो सनस्क्रीन है वो व्हाइट कास्ट देती है, तो कई लोगों को वो सूट नहीं, कई लोगों को क्या, मैं खुद नहीं लगा सकती वो वाली, तो इसलिए जो उसका मिक्सचर है वो है हाइब्रिड सनस्क्रीन। हमारी सनस्क्रीन हाइब्रिड सनस्क्रीन है जिसके अंदर फिजिकल एंड केमिकल बैरियर दोनों है, तो आप हाइब्रिड सनस्क्रीन जब यूज करते हो तो आपको प्रोटेक्शन प्रॉपर मिलती है। और याद रखें ये उन लोगों को जिनको पिगमेंटेशन है ना, तो उनको घर के अंदर भी लगानी है, जैसे सुबह उठे एक बार 9 बजे लगा ली, ठीक है, एक लेयर अच्छे से लगा ली, उसके बाद अपना काम कर रहे हो सब कुछ ठीक है, आप ऑफिस जा रहे हो तो हल्का सा ऊपर कॉम्पैक्ट लगा लिया, मेकअप कर लिया, उसके बाद जब 12 बजे, देखो 3 पहर याद रखो, 9 बजे 12 बजे और 3 बजे, इसके प्लस माइनस 1 घंटा हो सकता है 9 के बजाय आप 8 बजे उठ रहे हो ना, 8 के बजाय आप 10 बजे उठ रहे हो, तो वो आप आगे पीछे कर लेना, लेकिन 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। 2 से 3 घंटे का गैप मतलब जैसे वही 9 बजे के करीब, फिर 12 बजे के आसपास, फिर 3 बजे के आसपास, 3 बार दिन में सनस्क्रीन लग जाती है तो उससे ऑप्टिमम प्रोटेक्शन मिलती है। एक लेयर के बाद सेकेंड लेयर अगर आप अपने हाई पॉइंट्स के ऊपर फिर से एक और लेयर लगाते हो ना, थोड़ी सी सनस्क्रीन की इस तरह से लगा के ऐसे थिक सी लेयर रख ली, 1 मिनट फिर वेट किया, वेट करने के बाद उसको इस तरह से जब मसाज कर लेते हो तो वो डबल प्रोटेक्शन है। तो जितनी बार सनस्क्रीन लगानी है इस तरह से डबल लेयर लगा के लगाओ। अब मेरी वाली सनस्क्रीन अगर कई लोगों को लगता है कि ये हैवी है या चिपचिप करती है तो आप पाउडर सनस्क्रीन्स भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन याद रखना जो ये पाउडर सनस्क्रीन्स और ये स्टिक सनस्क्रीन्स आजकल मार्केट में मिल रही है ना, नो डाउट ये बहुत अच्छी हैं ट्रैवलिंग के लिए और रीअप्लाई करने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन ये गलती मत करना कि सुबह उठ के तुम स्टिक सनस्क्रीन लगा के अपना काम पे जा रहे हो कि भाई मेरे को तो सनस्क्रीन प्रोटेक्शन मिल गई। नहीं, ऐसा नहीं है, सनस्क्रीन आपको प्रॉपर अपने लिक्विड फॉर्म में लगानी होती है। पर्स में चाहे आप अलग से एक खरीद के रख लो, ये पाउडर वाली और ये जो मैं स्टिक वाली दिखा रही हूँ, ये वाली पाउडर और स्टिक वाली सनस्क्रीन आप ऊपर से लगा सकते हो, और कुछ इन अच्छे ब्रांड्स अब इंडिया में भी आ चुके हैं, आपको बाहर फॉरेन से महंगे खरीदने की जरूरत नहीं है, तो आप इनमें से कोई भी ब्रांड ले सकते हो। एंड दैट्स इट, ऑलमोस्ट यही है सनस्क्रीन के बारे में, यही इशू है कि कई लोगों को सूट नहीं करती है, तो जिसको जो सूट कर गई वो आप कंटिन्यू रखो, बार बार इधर उधर पंगे मत लो कि ये खरीद लो वो खरीद लो, जो एक बार सूट कर गया उसको कंटिन्यू रखो। एंड पिगमेंटेशन ठीक करने के लिए ये था हमारा पहला स्टेप जो कि है सनस्क्रीन, ठीक है। अब बाकी रिकमेंडेशन भी बता दी, अपनी सनस्क्रीन के बारे में बता दिया, इसका प्राइस है 500 रुपीज और ये 50 ml है, और इसके अलावा मैं डिस्काउंट्स लगाती रहती हूँ, आपको मेरे इंस्टाग्राम पे पता लग ही जाएगा। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो इंस्टाग्राम मेरा चेकआउट कर सकते हो, ऑलमोस्ट डेली कुछ ना कुछ मैं पंगे लेती रहती हूँ, कभी डांस कर लिया, कभी खा लिया, कभी स्किन केयर की बातें कर ली, तो ये है मेरी लाइफ, ये है मेरा काम। और बाकी जो मेरे प्रोडक्ट्स है इनका क्या काम है और पिगमेंटेशन के बारे में बातें अगली वीडियोज में चलती रहेंगी, तब तक के लिए प्लीज मुझे प्लीज एक काम करना है, मुझे अच्छे से कमेंट करके बताना कि आपको पिगमेंटेशन कब से है, आपकी एज क्या है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपने क्या क्या यूज किया है, स्टेरॉइड्स यूज किए हैं कि नहीं किए। और एक और चीज, चाहे आपने कभी स्टेरॉइड यूज किए हैं चाहे नहीं किए हैं, चाहे आप 18 साल के हो चाहे आप 55 ईयर ओल्ड हो, सनस्क्रीन हर किसी को लगानी ही लगानी है। बच्चों के लिए अलग सनस्क्रीन आती हैं और ये वाली सनस्क्रीन प्रेगनेंसी सेफ है तो आप प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हो, लेकिन फिर भी याद रहे कि आपको सनस्क्रीन की रीअप्लायंस और सनस्क्रीन कितनी लगा रहे हो और आपकी सनस्क्रीन आपको अगर सूट कर रही है तभी असर आएगा, नहीं तो हो सकता है बंदा 10 साल से सनस्क्रीन लगा रहा है उसको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो वाले केसेस में मैं बोलती हूँ कि हिट एंड ट्रायल करके अपना एक फेवरेट सनस्क्रीन बना लो, जिससे आपको ये हो कि मैं सनस्क्रीन, सपोज करो आप ये 2 महीने से लगा रहे हो, अगर आपकी स्किन जो ओवरऑल स्किन, मैं पिगमेंटेशन की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं स्किन की बात कर रही हूँ, अगर आपके चेहरे की स्किन और आपकी जो गर्दन की स्किन है, अगर आपका चेहरा डार्क नहीं हो रहा है क्योंकि आप रोज सनस्क्रीन लगा रहे हो और बाकी स्किन कलर जो डार्क हो रहा है धूप में जाने से, तो समझ लेना आपकी सनस्क्रीन आपको सूट कर रही है। कई सनस्क्रीन थोड़ी कई लोगों को चिपचिपी लगती है तो वो मॉइस्चराइजर सुबह स्किप करके डायरेक्टली सनस्क्रीन लगा सकते हैं, स्पेशली हमारी वाली सनस्क्रीन। तो अगर आपको लगता है कि आपकी सनस्क्रीन बहुत ज्यादा ड्राई करती है तो पहले मॉइस्चराइजर लगा लिया, ठीक है। अगर आपको लगता है आपकी सनस्क्रीन बहुत ज्यादा चिपचिप करती है तो आपने मॉइस्चराइजर स्किप कर दिया, सीधा मुंह धोने के बाद डायरेक्टली सनस्क्रीन की 2 लेयर्स लगा ली, तो आप इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, अपने रूटीन को ऑल्टर कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से, जैसे आपको कन्वीनियंस है उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। मेरा बस यही कहना है कि सनस्क्रीन के ये कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखना, जो पिगमेंटेशन में आपकी हेल्प करेंगे, तो इसलिए याद रखना सनस्क्रीन आपकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं करती है। क्या करती है कमेंट करके बताना, और मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।